हुआ ना, एक देन हुआ मिनट, ना, हाँ एक मिनट, आप बोलो, आप बोलो। आई इक्वल टू रूट माइनस हुआ ना, आई देन इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, तो हमें पता है इमेजिनेबल होता है आगे। रूट माइनस हुआ ना, देन 7 प्लस 3 माइनस, सर ब्रैकेट -1/2 प्लस आई रूट थ्री एक मिनट एक अपॉन मिनट एक मिनट, 7 प्लस 3 आगे, ब्रैकेट स्टार्ट, उसको ब्रैकेट में मत कर दो, सर ये स्टार्ट स्टार्ट करो। ब्रैकेट अच्छा स्टार्ट करना है, ठीक है आगे। 1/2 वन सर -1/2 प्लस -1/2 प्लस आई रूट 3/2, ठीक है, ब्रैकेट सर बंद। इस से ब्रैकेट वन, सर इसकी पावर है 999, नौ सौ सर 999 प्लस ट्रिपल 9, ठीक है भाई, यही फोर क्वेश्चन। सर हाँ आगे भी है, प्लस प्लस फोर प्लस सर प्लस फोर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट -1/2 -1/2 -√3 आई अपॉन टू, अपॉन टू यही सर, सर हाँ है जी सर माइनस, इसकी पावर हाँ 1000, सर इसकी पावर 1000, यही है हाँ जी ठीक है। अच्छा ये जो मैंने 999 लिखा है, ये 7 के साथ इंक्लूड करके, 7 अलग सर, है। तो जो 7 प्लस 3 है वो अलग आएगा, ब्रेक करनी शुरू हो गई यहाँ से। हाँ ऐसे ही है ना, यस यस सर, यस सर, ठीक है भाई, यही है ठीक यस यस है। तो अब सबसे पहले जिन्होंने कर लिया है, किसी कोई बता सकता है आंसर इसका? सबसे पहले किसी को याद आ रहा है, ये जो लिखे हुए, ये जो दोनों लिखे हुए, मैंने बार बार एम्फेसाइज करा इस बात पे, इन दोनों को देखते एकदम समझ में आ जाना चाहिए, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। यस सर, याद है क्या लिखते थे हम, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, याद है? यस सर, तो ये तो वही लिखे हुए, तो यानी कि अब किसी बच्चे को लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 999 कैसे ओपन करूं, तो अगर तुम उसमें भी चेंज करोगे, क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म में लिखकर, और फिर डी कौन सी फॉर्म वो लगाओगे, डी मोबायर थ्योरम, याद है? यस सर, अगर जेड आपका होता था आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड की बार एन करनी है तो क्या करते थे, आर की बार एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, याद है किसी को? यस एन बस क्या सर, होना चाहिए, एन इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव है ना, ठीक यस है। लेकिन वो करने की भी जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एकदम समझ आना चाहिए। तो ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली, 7 प्लस 3 ओमेगा की पावर 999 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 1000, ठीक है भाई, क्लियर है? सर, ठीक है, तो 7 तो एज इट इज लिख दिया, 3 अब जल्दी से बता दो, ओमेगा की पावर 3 की पावर 333 है तो, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 ही तो होता है यस ना, हमें सर, ये दो प्रॉपर्टी बताई गई थी ना, ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, राइट, याद है? वो यस सर, ये तो फिर आ गया 1, क्या आ गया, यस ये आ गया हमारा 1, 3 into 1, और प्लस में क्या आएगा, ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 2000 है ना, यस तो यस क्यूब की पावर कितना लिख सकते हैं, मतलब कितना बचेगा, ओमेगा इसमें से क्या बचेगा बताओ, इसको अगर लाइक अगर मैं रिड्यूस करता हूँ 44 से उसमें पावर में, तो क्या आएगा, 2000 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2000 को 2000 को 3 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 2000 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, क्या रिमाइंडर आएगा, 18, 2 आएगा रिमाइंडर, है ना, यस तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, राइट, है ना, यस ये क्लियर है? तो यस क्या आ गया आंसर हमारा, क्या आ गया आंसर, 7 प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 10 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जो क्यू एनथ रूट हम निकालते थे उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, अगर ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है तो ओमेगा स्क्वायर तो लाइक डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो ना, क्या होती थी, है ना, यस ठीक है, हो जाएगा, आया समझ में भी, मतलब ये एकदम देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या लिखे हुए, क्योंकि ज्यादातर इनका यूज करेगा वो, लाइक इस तरह से दे देगा, ठीक है, क्लियर है सभी को? कभी सर, हाँ बोलो बेटा, आंसर में इसके साथ सर बैक करना स्क्रीन, सर आंसर में इसके साथ सर 4 भी है ना, 10 प्लस 4
फिर साथ फोर, इसके साथ फोर से भी दिया होता क्या? अच्छा हाँ फोर भी दिया होगा, ठीक है ऐसे दिया हुआ है। सर। हाँ जी हाँ ठीक है, 10 + 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके 10 + इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस, ठीक है। मतलब प्लस तुम्हारी आप जो, तो जो तुम्हारी बड़ी पावर है वो सिंप्लीफाई होगी ना, छोटी होगी ना, यस ठीक है। क्लियर है सभी को? यस ओके सर okay. किस जी किसने सर। कर लिया था हैंड रेज करने के लिए वाला क्वेश्चन? सर मैंने किया था सर, ठीक किया था, बट मुझे डाउट अच्छा डाउट था, ठीक है समझ में आ गया ना क्या करना है। यस सर। मतलब इतनी बड़ी पावर होगी तो उसको रिड्यूस हो ही जाएगा, या तो डीमोबाइल थ्योरम लग जाएगी या इस तरह से कर देना है, ठीक है। यस ओके करें स्टार्ट मैटर स्टेटमेंट। यस अच्छा प्रॉपर्टीज मैंने डिटरमिनेंट की तुम्हें बताई थी याद है, मैनिपुलेशन करके कि रो एंड कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं जिससे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, कि किसी भी रो में दूसरे रोज को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, है ना। ऐसे ही सेम कॉलम में भी कर सकते हो। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दोनों सेम होते हैं। कोई बताएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता था? थोड़ा वन सा बाय ए डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। नहीं, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं करा बेटा मैं। ए इनवर्स तो जो तुमने बोला बिल्कुल ठीक है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए होता था। मैं सिर्फ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा हूँ क्या होगा, तो दैट विल बी ओनली क्या होगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए, क्या होगा यस सर वन यस बाय डिटरमिनेंट ए, ठीक है याद रहेगा, सर यस सर ठीक है। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डिटरमिनेंट में रो और कॉलम ऑपरेशन लगाकर सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सभी के साइन नोटबुक है, ठीक यस सर यस सर है। लेट्स से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ डेल्टा x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस ए, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस बी और x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस सी, और ये दिया हुआ है जीरो। देन आपको बताना है कि ए बी सी आर एन, पहला है एपी में है, जीपी में है, एचपी में है और डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा डिटरमिनेंट ओपन करूं इसे लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए या मैनिपुलेशन करूं? कुछ रो या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं बताओ। इसमें हम क्या रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएं सिंप्लीफाई करने के लिए? तो सिंपलीफाई हो ही नहीं रहा कोई जाके। मतलब सिंप्लीफाई का इन द सेंस है कि छोटा हो जाए थोड़ा सा, मतलब इजी हो जाए कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। बहुत तरीके हैं, कुछ भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाकर आप कर सकते हो इसे सिंप्लीफाई, तो क्या करें सर है बेटा, क्या करें बताओ। कॉलम 3 से सर मैं पहले एक बार माइनस कर दूं क्या, बताओ रो वाइज या कॉलम वाइज माइनस कर दें? रो वाइज ऑपरेशन लगा देते हैं, चलो बताओ क्या लगाएं। R1 goes, R1 में से R2 माइनस कर देते हैं, ठीक है, सर और सेम टाइम पर ताकि टाइम वेस्ट ना हो, R3 में से या R2 में से, R2 में से R3 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ठीक सर है, ठीक है। तो क्या आएगा? अच्छा एक चीज का याद रखना है, जब मैंने दोनों एक साथ लगाए हैं रो या कॉलम ऑपरेशन, तो मैंने एक चीज बोली थी तुम्हें, टाइम बच जाएगा क्योंकि हमने पहला ऑपरेशन लगा दिया रो और दूसरी दूसरा भी एक साथ लगा दिया, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, नहीं तो बार बार वो डिटरमिनेंट लिखना, मैट्रिक्स लिखना, लाइक टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज याद रखनी है कि जिसको चेंज करा आपने पहले स्टेप में, पहले स्टेप में मैंने किसको चेंज कर दिया, रो फर्स्ट को चेंज कर रो दिया, फर्स्ट रो को जो चेंज करा है उसका यूज नहीं करोगे सेकेंड वाले ऑपरेशन में। अगर यहां पर तुमने आर वन कर दिया होता, R2 - R1, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या मैंने R3 को चेंज करके ऐसे बोल दिया होता R3 - R1, ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि रो वन तो पहली बार में ही चेंज हो गया ना फर्स्ट ऑपरेशन में, और आप जो अब यहां पे लिख रहे हो वो तो कौन से वाला लिख रहे हो, ये तो आप पहले ओरिजिनल वाला ही लिख रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है भाई मैं क्या कह रहा हूं? यस सर अच्छा लेकिन मैंने R2 को यूज करा है यहां पर,
तो यहाँ पर जो आर टू है उसको चेंज कर सकता हूँ मैं, मतलब जो जिसको फर्स्ट टाइम चेंज कर रहे हो आप, जैसे आर वन को मैं चेंज कर रहा हूँ, आर वन में ऑपरेशन लगा रहा हूँ आर वन माइनस आर टू, तो आर वन का यूज मत करना आप नेक्स्ट टाइम में, बस इतना याद रखना, ठीक है? याद रहेगा? यस सर। तो अब क्या लिख दूं बता दो फिर, क्या लिखूं? ऐसा करा इसलिए मैंने क्योंकि एक्स एक्स तो कम से कम उड़ जाएगा, मतलब सिर्फ मेरा नंबर बचेगा, तो क्या बचेगा? एक्स माइनस थ्री में से एक्स माइनस टू माइनस करो, क्या बचेगा? माइनस का वन, नेक्स्ट में भी माइनस वन, फिर आगे बी माइनस ए, ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, बी माइनस ए, ठीक है? नेक्स्ट में क्या आएगा फिर दोबारा? माइनस वन, नेक्स्ट में क्या आएगा? माइनस वन, फिर सी माइनस, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस, ठीक है? लास्ट वाला एज इट इज, ठीक है? अच्छा यहाँ तक आ गया, और ये जीरो दिया हुआ है, मतलब प्रूव नहीं करना, जीरो दिया हुआ है, हमें तो बस ये बताना है कि जो स्मॉल ए बी सी है वो किस में है, एपी में है, जीपी में, एचपी में, या फिर नन ऑफ दीज। तो अब सॉल्व करना बताओ, मुझे इजी है नहीं पहले के कंपैरेटिवली? यस सर। पर अभी भी मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो जाएगा। देखो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले तो जो जैसे दो दो टर्म्स लिखी हुई एक एक एलिमेंट में उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो साफ पता लग रहा है कि माइनस करके भाई तुम एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहां पर आने के बाद बहुत इजीली समझ में आ रहा है, जीरो भी ला सकते हो, दो जीरो आ जाएंगे, दिख रही है? फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो को अगर आप सेकंड रो में से माइनस कर दो तो डायरेक्टली दो जीरो आ जाएगी, और दो जीरो किसी भी रो या कॉलम में आ जाती है तो उस रो या कॉलम के अलोंग मैं क्या कर दूंगा, उसे एक्सपेंड कर दूंगा, और बहुत इजी होता है क्योंकि दो जगह पे तो जीरो ही लिखना पड़ेगा और बाकी थर्ड एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, तो इतना बड़ा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या आ गया बताओ, अगर लिखूंगा तो ऐसे क्या आएगा? जीरो जीरो, यहाँ पे क्या लिखूं? बी माइनस, माइनस का ए था, माइनस का प्लस का टू बी हो जाएगा, माइनस का सी, प्लस का टू बी, माइनस का सी, और लास्ट में बाकी एज इट इज भाई, कुछ नहीं करना उसमें। अब जब दो जीरो आ गए ना, तो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऑपरेशन और लगा सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अब लाइक इतना मुश्किल नहीं है एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड कर दिया करो, मतलब टेंशन ही मत लिया करो कि भाई आगे अब क्या ऑपरेशन लग सकता है नहीं, क्योंकि जब दो जीरो आ जाती है ना तो अब तुम्हें लग रहा है कि अब एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा सा ही कैलकुलेशन करके, तो एक्सपेंड कर दो, क्योंकि अब इसमें अननेसेसरी अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा सोचूंगा कि और ऑपरेशन क्या लगा सकता हूँ या और जीरो कहाँ पे ला सकता हूँ, तो वो टाइम वेस्ट है। तो अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो कि भाई अगर मैं इस फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूं, इसको बाहर रखूंगा, ये वाले और ये वाले गायब, इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है ना भाई, ये तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकाल ही लूंगा, अब इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, समझ में आ रहा है, तो मैं एक्सपेंड ही कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेता, तो कर देता हूँ एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर वो तो नहीं लिखना, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? अच्छा आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो माइनस ए प्लस टू बी माइनस सी है, इसका साइन पॉजिटिव लिखें, मतलब इसके कोफैक्टर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, मतलब इसका उसका, हाँ मतलब पॉजिटिव मत बोलो, ये बोलो उसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब कोफैक्टर का, ठीक है? तो क्या आएगा आंसर? माइनस का एक्स प्लस का टू, और माइनस का प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वन, ठीक है भैया? यस सर। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा और इसमें से माइनस करा, और माइनस करके मैंने साइन चेंज भी कर दिया, ठीक है? ये ध्यान से लेना, साइन एक्स एक्स कट जाएगा, टू माइनस वन तो वन बचता है, इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया आंसर? टू बी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये आ गया। जल्दी से बता दो क्या ये? एपी, देख कर ही समझ में आ रहा है, एपी है, मिडिल टर्म का ट्वाइस जो है वो ए प्लस सी के इक्वल आ रहा है ना? यस सर, टू ए प्लस सी, तो हमारा एपी है, ठीक है? आया सभी को समझ में? यस सर। अगर मैं स्टार्टिंग से एक्सपेंड भी कर देता तब भी यही आ जाता, तुम्हारी सारी टर्म कट जाती, यही बचते, लेकिन वो टफ हो जाता लाइक एक्सपेंड करना ना, तो इसलिए रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन ये लगाना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है भाई? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसा दे दिया, डेल्टा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस रो साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा प्लस रो एंड साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस रो, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, क्या होगी? ऑप्शन दिए हैं, वन सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है,
sine alpha cos beta plus cos beta sine gamma sine alpha. C option diya hua hai 0 and D diya hua hai none of these. चलो बताओ सबसे पहले पूरा एक्सप्लेन करोगे नहीं करोगे क्योंकि भाई बहुत लेंथी हो जाएगा. कितने एंगल है इसमें? अल्फा बीटा गामा और रू, चार एंगल है. ओके प्रकुल का आंसर आ गया, वेरी गुड. ठीक है बेटा, और किसी का जिसका आंसर आ रहा है तो ऑप्शन उसमें चैट बॉक्स में लिख दो क्या आ रहा है तुम्हारा. अच्छा ये बात पहले समझ में आ रही कि इसको एक्सपेंड तो नहीं करूंगा, ये बात समझाऊंगी देखकर. यस सर. भाई एक्सपेंड करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, चार चार एंगल है, क्या क्या लिखूंगा मैं, बहुत लेंथी हो जाएगा. आंसर तो आ जाएगा उससे बट बहुत लेंथी हो जाएगा और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो ही जाएगी. ठीक है तुम्हारा भी आंसर भी एरी ए फोर भाई. ठीक है तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुम्हारा प्रिंस एरी. क्या बेटा क्या नाम है? प्रिंस एरी. ओके ठीक है, हाँ सही है तुम्हारा भी आंसर. देखो सबसे पहले क्या समझ में आया, चलो तुम ही बता दो क्या करेंगे भाई. सर गामा, सर गामा एंगल ऐड करेंगे सेकंड में. क्या करेंगे क्या करेंगे दोबारा? सर सेकंड कॉलम में कोस अल्फा कोस बीटा कोस. अच्छा तो आपने सबसे पहले ये देखा कि जो थर्ड कॉलम लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम को एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो क्योंकि उसमें प्लस में ऐसा लिखा हुआ है ना, तो उसको एक्सपेंड करके क्या था भाई? कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी सबको याद है? यस सर. कॉस कॉस आता है, फिर माइनस साइन साइन है ना, प्लस होता है तो माइनस आता है और माइनस होता है तो प्लस है ना, यही आएगा. फिर नेक्स्ट में क्या आएगा? कॉस बीटा कॉस टू साइन बीटा साइन टू. लास्ट आएगा कॉस गामा कॉस टू माइनस साइन गामा साइन टू. ठीक है भाई ये आएगा थर्ड कॉलम में. अच्छा पहले वाले एज इट इज रहेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा. एक चीज नोटिस करो, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रो या ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉलम होगा उसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करके रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं. तो जो थर्ड कॉलम है उसी में कुछ ऑपरेशन लगाना है, ये बात समझ में आ रही है. तो थर्ड कॉलम में किसी को ये बात समझ में आ रही है कि थर्ड कॉलम में से हमने नोटिस करा कि साइन अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी साइन अल्फा है, उसके साथ साइन गामा लिखा हुआ है. तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, माइनस की जगह प्लस कर सकता हूँ साइन रो फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि जीरो हो जाएगा. ये बात समझ में? देखो सारी जगह में सेम है, साइन रो साइन रो साइन रो ये सभी में सेम है. ठीक है, और ये पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं तो प्लस की जगह माइनस कर देता हूं. क्या इन सब में क्या कॉमन है? कॉस रो. तो कॉस रो से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम को क्या कर दूं? माइनस कर दूं. तो आपने नोटिस करा कि माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कॉलम क्या आ जाएगा? जीरो. और अगर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है. क्लियर है भाई? यस यस सर. सभी को आया समझ में? यस सर यस सर. ओके लेट्स से ऐसा दे दिया. हां जी डिटरमिनेंट दिया लेट्स से 2 की पावर x + 2 की पावर - x होल स्क्वायर. फिर दे दिया 2 की पावर x - 2 की पावर - x होल स्क्वायर. और यहां 1 1 1. फिर नेक्स्ट में है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. और यहाँ दे दिया 4 की पावर x माइनस 4 की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. और ऐसे यहाँ पर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 4 की पावर x प्लस माइनस 4 की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, क्या होगी? अच्छा जीरो इवेल्युएट करना है. हाँ ऊपर वाला ठीक है. चलो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी क्या आएगी? ऑप्शन चलो दिए मैं 1 0 2 डी है नन ऑफ दीस. सारे अपने पेन नोटबुक निकाल के बेटा करके देखो जल्दी से सबका आंसर आ जाए.
ये तो साफ समझ में आ रहा है कि मैनिपुलेशन करके करोगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि नहीं निकलता। फिर इसको करो करो, पहले बताओ मत, बताओ मत, बताओ मत, बताओ मत, करो करो। ठीक है प्रकुल, चेक करते हैं अभी। ठीक है, दो तीन बच्चों का आ गया आंसर। सर 0। जीरो, बाकी भी सभी का जीरो आ रहा है अभी। अच्छा, कौशिक कह रहा है सी, टू आ यस रहा है सर, अभी। कौशिक कह रहा है टू, 1 मिनट चेक कर ले फिर। कर लो सर। चलो, पहला सबसे पहला स्टेप क्या करें बताओ, इसमें क्या ऑपरेशन लगा है भाई? पहले सबसे पहले 2 0 ले आऊं, क्योंकि साफ दिख रहे 3 1 है, तो 2 रो को माइनस करके मैं 0 2 0 बना सकता हूँ, राइट? क्लियर यस है? क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देता हूँ, सेम टाइम पर सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर देते हैं, ये ठीक है? अच्छा अच्छा रो वाइज माइनस करना चाहिए, कॉलम वाइज माइनस करें? हाँ अच्छा, अब देखो, अगर रो मैंने वाइज रो वाइज करते। माइनस करा, हाँ मैंने अगर रो वाइज माइनस करा तो 2 0 तो आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, तो वो तो अलग वाले टर्म्स नहीं हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अच्छा है कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम है दोनों क्या है, जो टर्म्स लिखे हुए सिमिलर लिखे हुए हैं ना, ठीक है भाई? सर तो ठीक है, वैसे 2 0 भी लाकर कर सकते हैं, बट ये ज्यादा सिंपली लग रहा है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, बताओ क्या आएगा। अच्छा, इसको ऐसे सोच लो, मन में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सोच लो 2 की और x तुम्हारा a लिखा हुआ है, और जो 2 की और माइनस x है वो एक तरह से 1/a लिखा हुआ है, यही है ना? तो तो यानी कि जो 2 की पावर x है प्लस 2 की और माइनस x, ये बेसिकली होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना इसको, 2 की और x प्लस 1/2 की और x का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जब 2ab करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना? ये ठीक है, ठीक है भाई? तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि जब c1 में से c2 माइनस करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म तो दोनों में आएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो तो 0 0 कट ही जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट जो पहले वाला कॉलम है उसमें 2 आएगा, और दूसरे वाले कॉलम में -2 आएगा, तो -2 को माइनस कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉलम में क्या बचेगा, 4 बचेगा ना सब में, ये ठीक है सभी को? क्लियर है? मतलब भाई, रफ में लेकर आराम से देख लो, सभी को आ गया इस बात समझ में, मैंने 4 क्यों लिखा? ठीक है, अब देखो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बेकार है, तो समझ में ही आ गया, मतलब इस ऑपरेशन के बाद ही समझ में आ गया कि आंसर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई? क्योंकि अगर 2 कॉलम या 2 रो एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन अगर प्रोपोर्शन में सारे एलिमेंट्स, तब भी क्या आएगा, 0, क्योंकि अगर मैं इन सब में से 4 कॉमन ले लूंगा बाहर डिटरमिनेंट के, 4 ले लूंगा, तो 1 1 1 अब तो सेम हो गया ना, आंसर 0 आएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अगर मैं वो जो 1 1 करके 0 कर रहा था उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन फिर वो एक्सपेंड करना पड़ जाता मुझे, बात समझ आ रही है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जो मैंने बोल दिया कि भाई 0 लाने हैं तो उसी के लिए तुम सोचोगे और वैसा ही करोगे, आपको ये भी देखना है कि बाकी जो रो में या कॉलम में जो टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस करके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बन जाएगा, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ 2 जगह 0 तो आ गया लेकिन जो बाकी टर्म्स है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गई, ठीक है? तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्लियर है? यस ठीक है, यहां तक किसी को डाउट समझ में आ गए? सर। यस चलो नेक्स्ट, लेट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा पूछ रहा हूँ, पोल कंडक्ट करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, इफ ए इज 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स और विद डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे भी दी तुम्हें 4 है, देन आपको बताना है -a का डिटरमिनेंट कितना होगा, एंड पोल कंडक्ट करा रहा हूँ मैं, ठीक है? ऑप्शन 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बोला नहीं बेटा किसी को, आंसर पोल में टाइप करना अपना। ओके, मैंने लॉन्च कर दिया, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन है 4,
बी है 16, सी है माइनस 4 और डी है माइनस 64. फटाफट जल्दी जल्दी सभी के आंसर आने चाहिए. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, प्रॉपर्टीज याद होंगी जिस बच्चे को, वो उसका हो जाएगा. जिसको प्रॉपर्टीज ढंग से याद नहीं है वही गड़बड़ कर सकता है. सर पॉल अगेन शो करना. क्या बेटा? सी पॉल इसे क्लोज कर दिया था ना मैंने ऑप्शन देखने के. अच्छा पोल क्या कह रहे हो, दिख रहा है? सर अगेन शो करना है पोल. दोबारा शो करो. मोर में जाके हो जाता है सर. मोर में नहीं, अभी तो चल ही रहा है पोल भाई, और कैसे करूं सर. सर लड़के को बोल रहा हूं कि मोर एंड करना पड़ जाएगा मुझे, एंड करना पड़ेगा मुझे फिर. नहीं सर, वो सर उसके फोन में ना मोर की ऑप्शन होगी, वहां से आ जाएगा पोल शो हो जाएगा. अच्छा 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 पूछ रहा है वो. ओके भाई चेक करियो जरा, मोर में जाकर बेटा होगा उसमें, देख लो. अभी भी यार 40% बच्चों ने आंसर दिया, सिर्फ 16 बच्चों ने आउट ऑफ 40. भाई इतने इस ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम दो दो मिनट लगाओगे पेपर कैसे करके आओगे भाई, होएगा ही नहीं पूरा. अगर ऐसे क्वेश्चन में तुम दो मिनट लगा रहे हो, मुश्किल से 10 सेकंड लगने चाहिए अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो. इतना ईजी क्वेश्चन है. अभी भी लगभग आधे बच्चों ने ही आंसर दिया सिर्फ. ओके पोल एंड कर रहा हूं मैं. ओके ज्यादातर मेजोरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है दैट इज थर्ड विच इज माइनस 4. चेक कर लेते हैं. अच्छा सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मुझे याद आता है क्या, के ए का डिटरमिनेंट क्या होता था, याद है किसी को? ये होता था या ये होता था या फिर ये होता था? सेकंड वाला होता था. ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि भाई स्केलर की पावर एन हो जाएगी जिस भी ऑर्डर का है. तो भाई माइनस वन लिखा हुआ, जो माइनस ए लिखा हुआ एक तरह से माइनस वन है, तो माइनस वन की पावर 3 बन के बाहर निकलेगा और डिटरमिनेंट ए, तो कितना आंसर आएगा? माइनस 4 ही तो आएगा. ठीक है मेजोरिटी बच्चों ने ठीक आंसर दिया. क्लियर है बाकी सभी बच्चों को? ठीक है. yes, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ऐसे करोगे तुम यानी इसका मतलब प्रॉपर्टी तुम्हें याद ही नहीं, फिर कैसे करोगे? तो सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद रखो. ठीक है फिर लेट से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, डिटरमिनेंट ए दिया हुआ लेट से 2 और बोला है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर और आपसे पूछा देन ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बताना आप क्या होगा. ठीक है पोल कंडक्ट करा रहा हूं फिर दोबारा, एंड सबका सही आना चाहिए भाई. ऑप्शन है 2 होगा, 1 होगा, नहीं 4 होगा, सी 8 होगा और डी 16. ए इंटू ए ट्रांसपोज का पूरे का डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताना क्या आएगा. एक ही मिनट दूंगा इसमें भाई, जल्दी से लास्ट 30 सेकंड्स. लास्ट 10 सेकंड्स.
कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, मतलब देखकर ही पता लग जाएगा, अगर लिखने की भी जरूरत नहीं ऐसा कुछ नहीं। जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉपर्टी, रिकॉल करो क्या थी प्रॉपर्टीज, लगाओ खत्म। ओके, मेजोरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है दैट इज चॉइस नंबर टू, दैट इज बी ऑप्शन। तो हमें ये याद आ रहा है कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे का डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी याद आ रही है, ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता था? बी। तो भाई ए ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा? डिटरमिनेंट ए, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, और अभी हम बार बार बोल रहे थे, मैं स्टार्टिंग में बोला भी था कि ए का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही रहता है ना। तो टू इंटू टू क्या आएगा? फोर। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो रॉन्ग कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हो भाई, मतलब कैलकुलेशन की तरह बहुत ध्यान से करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोला कि इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है, मतलब अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से इसको प्रॉपर्टी मानकर फिर कभी एग्जाम में अगर आता है तो पता लग जाएगा कि क्या लिखना है। अभी तो सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन की तरह से, लेकिन इसको प्रॉपर्टी की तरह से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये दिया हुआ है हमें, a की वैल्यू दी हुई है और बोला है देन डिटरमिनेंट a की पावर n बताना है क्या होगा। DET शॉर्ट में लिख देते हैं इसे, मतलब ये और ये एक ही बात है, ऐसे लिख दो a की पावर n का डिटरमिनेंट। अब n जो है क्या है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसने बताया नहीं कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, क्या है इसका मतलब, ये हो गया कि कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो मतलब पावर में, तो जो डिटरमिनेंट आ रहा होगा फिक्स आ रहा होगा, कुछ कांस्टेंट ही आ रहा होगा, तभी इसने ऐसा क्वेश्चन दिया, क्योंकि अदरवाइज आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते थे। तो ये सॉल्व करना है, ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि पावर जो नेचुरल नंबर है एन, तो इसका मतलब पहले स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि इसको देख कर तो नहीं पता लग रहा है क्या आएगा, है ना? तो एक बार ए स्क्वायर कर लेते हैं, बताओ क्या आएगा, ए का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर दोबारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चलो बताओ क्या आएगा, फर्स्ट क्या आएगा एलिमेंट? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉस थीटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस स्क्वायर प्लस क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूं? यस सर। नेक्स्ट में बता दो जल्दी से, ए टू वन क्या होगा? तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर दोबारा माइनस का साइन, हाँ माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और लास्ट में लास्ट क्या आएगा? तो सेम ही आएगा, माइनस माइनस आएगा, क्या आएगा क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ठीक है। तो किसी को समझ में आया, सिंपलीफाई होके क्या बन गया, दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के किसी को बच्चे को याद हो तो फॉर्मूले, ये दिख रहे हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो कॉस टू थीटा होता था और ये साइन टू थीटा होता है ना? यस सर। तो जो आंसर आ रहा है नोटिस करो क्या है, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा और माइनस का साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। तो हमने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि देखो जब पावर एन लिखी है तो मैंने कहा था ना कि लाइक जब भी बड़ी पावर्स होंगी तो कुछ पैटर्न बन रहा होता है, तो आपको प्रॉपर्टीज बताई गई, कई सारे मैंने मैट्रिक्स बताए थे, इनवॉलंटरी ऑर्थोगोनल वो सारे के सारे इट इम्पोर्टेंट सब यहाँ पर, ये देख कर ही समझ में आ गया कि भाई ए जो लिखा हुआ था और जो ए स्क्वायर है, उन दोनों में रिलेशन समझ में आया कि जब हमने पावर टू करी है तो बस सिर्फ पता है कितना फर्क पड़ा, जो एंगल था थीटा की उसकी जगह टू थीटा हो गया बस, है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आगे करने की जरूरत ही नहीं, ए के और एन क्या आएगा, एन थीटा कॉस कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, बस ये आएगा। और अब इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, तो इसका तो निकाल दो, डिटरमिनेंट निकल जाएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एन थीटा आगे माइनस है प्लस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, तो क्या हो गया भैया, वन
भाई एंगल अगर सेम है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो मुझे पता है वन होता है, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये एज अ प्रॉपर्टी याद रख लो, ये पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा तुम्हें कि ए की वैल्यू कुछ ऐसी लिखी हुई है और तुम्हें ए की पावर एन से रिलेटेड या फाइव पावर या सिक्स पावर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए की आर एन आएगा, अगर ए की आर फाइव आ गया तो तुम्हें पता लग गया क्या लिखना है, कॉस फाइव थीटा साइन फाइव थीटा माइनस साइन फाइव थीटा और कॉस फाइव थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एज ए प्रॉपर्टी बनाकर कहीं पर लिख लो फॉर्मुला अपना लिस्ट में, जहां मैंने तो लिखवाया नहीं है वाला, तो ये फॉर्मुला लिस्ट बनाकर अपना जहां पर लिखते हो वहां पर ये चीज लिख लो कि ए की पावर एन क्या आएगा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा आएगा। डिटरमिनेंट तो फिर निकाल ही लोगे, लिखने की जरूरत नहीं हो तो। ठीक है, मतलब ये समझ लेना जब भी पेपर में अगर ज्यादा पावर वाला मैट्रिक्स आ जाता है, लाइक ए ए की और फाइव, ए की और सिक्स, ए की और 200, ए की और 2000, ऐसे कुछ बड़े बड़े आ जाती है पावर, तो समझ जाना कुछ पैटर्न बनेगा। तो ए देखो, या तो ए स्क्वायर से पता लग जाएगा तुम्हें पैटर्न, या ए क्यूब पे पता लग जाएगा, उससे ज्यादा बहुत रेयर होगा कि भाई चार तक निकालना पड़े पांच तक, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसे दे दिया, डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, और कह दिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो पहले इसको मैं कुछ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगाऊं या डायरेक्टली एक्सपेंड कर दूं, बताओ? डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट अगर लगा दोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो एक्सपेंड ही कर देते हैं, तुम कह रहे हो वन बार रखा, बताओ क्या लिखूं? 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया पहले बार, फिर माइनस का वन, इस वाले के लिए मैंने को फैक्टर का जो नेगेटिव लिखते थे साइन, वो मैंने पहली बार माइनस लिख दिया माइनस वन, अब क्या लिखूं? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस वन, और लास्ट वाले में वन बाहर, 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, सर एक माइनस वन और भी आएगा ऊपर, सर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। एक मिनट, इस वाले में कह रहे हो, इस वाले में, पहले वाले में, दूसरे वाले में, फर्स्ट 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 वाले में, फर्स्ट वाले में ये गया, ये गया, वन लिख लिया, साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और माइनस वन रह गया था। वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट में माइनस वन छूट गया था, तो वन और ये माइनस वन कट गया, वन माइनस वन कट गया, यहाँ पे भी इसमें भी वन और माइनस वन कट गया, तो क्या बचा भाई? कॉस थीटा बचा, साइन थीटा बचा, प्लस का साइन कॉस बचा, फिर आगे माइनस हो गया कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या सर? आपने ये सेकंड वाले में काट दिया, सेकंड वाले में तो वन माइनस वन कटेगा ना, ठीक तो लिखा हो तो, ठीक है, हाँ सही है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये दोनों भी कट गए भाई, क्या बचा बस? साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम बताने क्या होगी, कोई बता सकता है कैसे बताएंगे? सर हमें इंडिविजुअली, हाँ भाई साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन टू थीटा बना सकते हो ना, देखो अगर साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसको साइन में या कॉस में चेंज करूंगा तो मेरे को साइन वाला फॉर्मूला याद आता है कि साइन टू थीटा बाय टू लिख सकते हैं सर ना। अब साइन थीटा और कॉस थीटा जो होते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो उसमें तो नहीं बता सकते इस तरह से कि क्या होगी मैक्सिमम, लेकिन अब इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिख दिया। अब साइन की वैल्यू तो कोई भी एंगल हो मुझे पता है माइनस वन से वन ही रहता है ना, मुझे पता है साइन टू थीटा की वैल्यू भाई माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी, टू से और डिवाइड कर रखा है बस, तो अगर मैं मिनिमम बोल देता तो क्या था? मैक्सिमम होगा वन बाय टू, और मिनिमम होता तो क्या क्या दे देते हैं आंसर? माइनस वन बाय टू। तो ये सवाल समझ में आ गई कि मिनिमम माइनस वन बाय टू तक जा सकता है और मैक्सिमम वन बाय टू तक, बस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान से क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स से क्वेश्चन दिया है, ए इक्वल टू दिया हुआ है सेम वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा और वन, और हमें बोला थीटा जो है वो जीरो से लेकर टू पाई तक हो सकता है, उन्होंने दे दिया। अब इस पूरे ए की वैल्यू बतानी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू,
डिटरमिनेंट ए ही है, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमसे पूछी है कि क्या होगी। इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जीरो, दूसरा दिया हुआ है बिलोंग्स टू टू से लेकर इन्फिनिटी, सी दिया हुआ है टू से लेकर फोर, और डी दिया हुआ है टू और फोर इंक्लूडिंग, टू से लेकर फोर लेकिन टू और फोर को भी इंक्लूड कर लिया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंस है, थर्ड में टू और फोर के बीच में बोल दिया, टू और फोर को इंक्लूड नहीं करा, फोर्थ ऑप्शन में टू और फोर को भी इंक्लूड कर लिया। तो बताओ चलो सॉल्व करके क्या आएगा। एक्सपेंड करो, देखो अभी जो हमने पीछे वाला करा उसी से कुछ वैसा ही है, साइन कॉस आपको पता है कहां से कहां तक डोमेन और रेंज होता है उनका। अगर किसी को लग रहा है कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंड करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी लगा के बहुत इजी हो जाएगा तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जैसे मुझे दिख रहा है भाई फर्स्ट रो में अगर थर्ड रो ऐड कर दोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फर्स्ट रो में जीरो जीरो और टू आ जाएगा, फिर एक्सपेंड कर लो। बता देना अगर किसी का आंसर आता है तो क्या आ रहा है। हाँ सानिया बेटा बोलो क्या आया। किसी का नहीं अभी तक आंसर? सर एक मिनट। ओके ओके जल्दी भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। करें डिस्कस। यस सर। फर्स्ट रो में हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड कर दिया तो जीरो जीरो टू माइनस साइन तो टू साइन के ठीक है प्लस वन हो गया। ओके चेक कर लेते हैं, एक्सपेंड कर दिया तो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये आ रहा है एक्सपेंड करके सबका, ये है टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं होता, ठीक है तो अब हमें लेकिन ये तो पता है कि साइन स्क्वायर कहां से कहां तक होता है। yes, साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू अगर माइनस वन से वन है तो साइन स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, वन टू वन भाई ठीक है, मतलब इसका मतलब वन ही कह रहे हो तुम, वन ही होगा ये कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना करते हैं भाई। अगर साइन थीटा की वैल्यू कोई कहता है माइनस वन से वन है तो साइन स्क्वायर जब करते हैं तो ऐसे तो ना करेंगे कि माइनस वन का भी स्क्वायर कर दिया वन का भी स्क्वायर कर दिया और बोल दिया ऐसे, इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं होता भाई, जीरो से वन आएगा भाई। अगर माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी लेते हो, सोच के देख लो यार सिंपल सा लॉजिक है, ये रहा जीरो ये रहा माइनस वन ये रहा वन, माइनस वन से पीछे आपने माइनस पॉइंट एट ले सकते हो, माइनस पॉइंट फाइव ले सकते हो, पॉइंट फाइव ले सकते हो, पॉइंट सेवन ले सकते हो, पॉइंट टू ले सकते हो, इन सभी की अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो तुम्हें ये बात दिख रही है जीरो का स्क्वायर सबसे छोटा आएगा, बाकी सभी तो बड़े होंगे इससे, ठीक है। तो मिनिमम कहां तक गया, मिनिमम गया जीरो, मिनिमम गया जीरो और मैक्सिमम कहां तक गया, इसका भी बनाएगा माइनस वन का स्क्वायर भी बनाएगा तो मैक्सिमम वन तक गया, और फिर वन प्लस साइन स्क्वायर कर रहे हो तो क्या आएगा वन से लेकर टू, और फिर टू बाहर भी लिखा हुआ है, ये रहा टू मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो कहां से कहां तक आएगा, टू से लेकर फोर, हाँ टू से लेकर फोर, और क्या इंक्लूडेड होगा, हाँ क्योंकि भाई इक्वल टू भी तो चल रहा है। तो मेरा आंसर होगा भाई डी ऑप्शन, ठीक है। यस सर। सभी को
चलो ये इस क्योंकि इस, हाँ, इस वाले में जैसे किसी बच्चे ने बोला वन ही बोल दिया वन से वन, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा सारे आंसर करना ठीक है बताना क्लियर है। चलो अगर मैंने ऐसे पूछ लिया किसी से कि भाई x की वैल्यू अगर बिलोंग करती है वन से लेकर थ्री, ऐसे वन से लेकर थ्री, वन इंक्लूडेड है थ्री इंक्लूडेड नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बता दो कहां से कहां तक होगा, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, किसी का भी आंसर नहीं आएगा क्या लिखूं, वन टू नाइन, वन टू नाइन बोला आपने, वन को इंक्लूड करूं yes, और नाइन को, नाइन को, नाइन को वो सर ठीक है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, सभी एग्री कर रहे हैं ठीक है भाई ठीक है yes, अच्छा अब मैंने ऐसा बोल दिया, अब ध्यान से देखना, माइनस थ्री से लेकर वन या फोर ले लिया ओपन इंटरवल, अब बताओ एक्स स्क्वायर क्या कहां से कहां तक होगा, अब कहां से कहां तक आएगा, जीरो से लेकर सिक्सटीन, जीरो से लेकर सिक्सटीन ओपन और क्लोज, ऐसे लिखो बताओ, जीरो पे क्लोज रखूं और सिक्सटीन पे ओपन, ये ठीक है, जीरो पे भी क्लोज, जीरो पे तो मैंने क्लोज करा ही हुआ है, सिक्सटीन पे ओपन रखेंगे, सिक्सटीन को इंक्लूड कर लूं, आप ओपन ही रहेगा ठीक है वाला भी, लास्ट एक और, अब ऐसे कर दिया ओपन माइनस थ्री और माइनस टू क्लोज, अब बताओ एक्स स्क्वायर अब कहां से कहां होगा, तो क्लोज ब्रैकेट नाइन और फोर, नाइन फोर, पहली बात तो जो लिख रहे हैं यही रॉन्ग है, नाइन तो बड़ा है यार, नाइन पहले थोड़ी ना लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, फोर और नाइन, फोर नाइन ऐसे ठीक है, जीरो और फोर, जीरो लिखो, जीरो तो जीरो तो गड़बड़ है भाई, जीरो कब आएगा बताओ, माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में जीरो कब आ जाएगा स्क्वायर करने पे बता दो, कभी नहीं आएगा, ऐसे है ना माइनस थ्री माइनस टू, माइनस टू पॉइंट एट, माइनस टू पॉइंट फाइव ऐसे ही होंगे, माइनस टू पॉइंट वन, इनका स्क्वायर करने पे सबसे जो छोटा स्क्वायर आएगा वो माइनस टू का स्क्वायर फोर आएगा ठीक है, फोर इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूड होगा इस बार, यहाँ पर मतलब क्या हो गया क्लोज हो गया, और नाइन पे क्या हो जाएगा ओपन, क्योंकि थ्री इंक्लूड माइनस थ्री इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका जो स्क्वायर होगा नाइन वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा बस, क्लियर है yes, तो नंबर लाइन पे बनाकर छोटे से दो तीन वैल्यूज लेकर आप समझ भी सकते हो अगर लाइक कंफ्यूजन में हो कि भाई क्या लिखना है, क्लियर है सभी को yes, अच्छा एक ऐसे दे दिया क्वेश्चन, fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है हमें, लेट्स से cos x, x1, 2 sin x, x 2x और sin x, x x, और हमें फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x tend to 0 fx divided by x square, तो पहले जल्दी से fx बता दो क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके और फिर लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट के जो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले या जैसे भी करना होगा, कौन सा फॉर्म बन रहा है लिमिट का बताओ क्या है, डेडमेंट आया किसी का, एफ एक्स बताओ भाई सॉल्व करके क्या है,
एफ एक्स निकालने का फिर लिमिट निकालना है एक्स टेंड टू जीरो पे एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स बता दो क्या है सॉल्व करके, मैं करूं एक्स में मुझे करना पड़ेगा। कॉस एक्स बाहर रखा, प्रॉपर्टीज लग रही है तो प्रॉपर्टीज लगा दो, नहीं तो एक्सपेंड करो डायरेक्टली। प्रॉपर्टीज लगाऊं इसमें? एक्सपेंड ही कर, चलो एक्सपेंड ही कर देते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज लगा सकते थे इसमें, इसमें से इसको माइनस करते एक जीरो आ जाता, पर ठीक है चलो कर देते हैं एक्सपेंड। कॉस एक्स बाहर के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर क्या आएगा, एक्स टू एक्स साइन एक्स, टू एक्स साइन एक्स माइनस का टू एक्स साइन एक्स, ये तो जीरो ही हो गया ना, ठीक है। यस और प्लस वन के साथ क्या आएगा, टू एक्स साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, है ना। तो क्या बचा भाई, ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये प्लस एक्स साइन एक्स, ये बचा। और हमें क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स जो आया आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर से। इसका जल्दी से बता दो लिमिट क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू बहुत इजी है, तो कितना आएगा, जीरो जीरो आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वो तो हट जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स बचेगा और कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो माइनस का वन आ गया। x से x कट जाएगा, sin x अपॉन x 1 होता है तो ये 1 आएगा और 1 माइनस 1 क्या हो गया, ठीक है सभी आया समझ में? यस सर, यस यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2020 जेई मेंस में सेकंड शिफ्ट में आया था सितंबर 6 में। क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 5 और a की वैल्यू दी हुई है, a मैट्रिक्स दिया हुआ है जो मैंने अभी बोला था cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos theta। तो अब आपको तो देखते ही पता है कि ये सर ने अभी बताया था, इसकी पावर अगर n करोगे तो बस एंगल में n जुड़ जाएगा चाहे जितनी भी पावर करो। और बोला f b equals to a plus a की पावर 4 ऐसे बोल दिया, देन आपको डिटरमिनेंट b बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन थे 1 lies एन टू से थ्री, फिर बोल दिया जीरो और डी है लाइज एन वन से टू के बीच में। इन चार ऑप्शन में से आंसर करना है। अभी हमने करा था ए, जो ये वाला था ए बताया था मैंने, इस ए की पावर जो जो भी नेचुरल नंबर लिखोगे पावर रेज करोगे 1 2 3 4 एंगल में वही आ जाएगा थीटा की जगह। तो ए की पावर 4 तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा टाइम बच गया। तो जल्दी से ए की और 4 लिखकर प्लस ए कर कर बी के इक्वल रखो, जब बी आ जाएगा तो फिर बी का डिटरमिनेंट निकाल दो, बताओ फिर कहां से कहां तक आएगा। उसमें फिर थीटा की वैल्यू ये भी यूज करनी है, क्या थी, पाई बाय 5 भी दी हुई है। अब या तो पाई बाय जो 5 दिया हुआ है उसका यूज होगा या फिर ऐसा होगा कि अपने अभी कुछ कॉन्स्टेंट यानी कि 1 और 0 में से कुछ आ रहा होगा, ये तुम्हें बताना है। तो पहले ए की बार 4 क्या लिख दूं, चलो ए प्लस ए की बार 4 डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या आएगा बताओ, ए की जगह तो वही लिखते थे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसमें प्लस करना है क्या, ए की पावर 4, ए की बार 4 डायरेक्टली क्या लिख दूं, कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस का साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा, ये सभी गाइस समझ में, क्या कर दिया हमने? यस सर, यस सर। तो जो मैंने वो पीछे ऊपर लिखवाया था ना वो लिख लेना कहीं पे फॉर्मुला लिस्ट में अपने, तो ताकि जैसे यहाँ पर यूज हो गया डायरेक्टली, नहीं तो टाइम वेस्ट होता तुम्हारा, स्क्वायर निकालते या क्यूब निकाल के चेक करते, वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लस करके बी क्या आ गया हमारा, बी आ गया कॉस 4 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 4 थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे ही माइनस साइन कॉमन लेके लिख देते हैं साइन 4 थीटा साइन थीटा और
cos 4 theta. I can only help with certain things in Punjabi. cos 4 theta plus cos theta. ठीक है भाई. अच्छा अब मुझे बताओ कि इसमें मैं थीटा की वैल्यू अभी पुट करूं या पहले कुछ आइडेंटिटी लगा दूं इसमें. थीटा की वैल्यू पाई बाय 5 पुट करें या पहले प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी. फॉर्मूला लगा दो ना, कॉस ए साइन बी फॉर्मूला लगा दो भाई. क्या होता है बताओ, कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी बताए क्या होती है. कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होती है ना. फाइव थीटा बाई टू और कॉस टू कॉस ए प्लस बी ओवर टू बाई टू और कॉस ही आता है. नहीं प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में आता है, मल्टीप्लाई में आता है. हाँ मल्टीप्लाई में आता है बेटा, वो प्लस नहीं होता बीच में. टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू. साइन में क्या होता है, टू टू साइन आएगा पहले और फिर कॉस आता है. ठीक है ऐसे यहाँ पर माइनस का आएगा बस, टू साइन 5 थीटा बाई टू कॉस 3 थीटा बाई टू और यहाँ पे दोनों में कॉस ही आएगा, कॉस 5 थीटा बाई टू कॉस 3 थीटा बाई टू. अच्छा थीटा की वैल्यू तो पता है मुझे कितनी दी हुई थी, थीटा की वैल्यू दी है पाई बाय 5 दी है. तो अच्छा ये इतना बता दो बस कि ये सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं पाई बाय 5 पुट कर रहे हैं. तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि पाई बाय 2 बन गया है, तो यानी ये वाला और ये वाला तो लिखने की अब जरूरत ही नहीं, समझ में आ गया. कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये तो गायब हो गए. अच्छा और ये और निकाल लेते हैं फिर, क्या है साइन पाई बाय 2 तुम्हें पता है वन होता है, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, बच क्या गया कॉस 3 थीटा बाय 2 बच गया. कॉस 3 थीटा बाय 2 थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहे हम, पाई बाय 5 कितना आएगा भैया, कॉस 3 पाई बाय 10 बन गया. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, या चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं कोई बात नहीं. अब इसकी वैल्यू अगर नहीं पता है तो क्या आ गया हमारा आंसर, वैसे जीरो टू कॉस थ्री पाई बाय टेन, यहाँ पर माइनस का टू कॉस थ्री पाई बाय टेन और जीरो, ये ठीक है. यस सर. तो ये हमारा बी आ गया और अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस प्लस फोर क्या, फोर क्या कॉस थ्री पाई बाय टेन स्क्वायर ही हो जाएगा ना ये तो. ठीक है अब क्या करें, अब क्या करें, थ्री पाई बाय टेन की क्या वैल्यू पता है मुझे, तो फिर कैसे करें इसे सॉल्व. ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शंस क्या क्या हैं, वन जीरो लाइज इन टू से थ्री लाइज इन वन से टू. अच्छा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन इग्नोर कर दें डायरेक्टली. यस सर. यस सर. एग्जैक्टली वन साफ पता लग रहा नहीं होगा और एग्जैक्टली जीरो भी नहीं होगा. ठीक है तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, आपकी क्या होगा आंसर, थ्री बाय टेन वैसे कितना एंगल हो गया, थ्री बाय टेन कितना हो गया अभी, कुछ याद आ गया. थ्री पाई बाय टेन कितना होता है भाई एंगल, है भाई 54 आएगा ना डिग्री में. यस सर. किसी को याद आ रही है, मैंने बताई दी इनकी वैल्यूज, कौन कौन सी डिग्रीज की वैल्यूज बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में, याद आ रही है बताओ. ये तो हमारा वो नहीं, एक तरह से साइन लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर 36. यस सर. किसी को याद आ रहा है वैल्यू क्या थी इसकी, बताओ बताओ क्या थी, 3/5 साइंस के 36 पे, 36 पे 8, पहले मैंने साइन 18 निकलवाया था याद है. यस सर. साइन 18 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, रूट 5 माइनस 1/4 याद है. यस सर. तो अगर मुझे साइन 36 निकालना है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ, कॉस 18 भी पता होना चाहिए है ना. तो बताओ क्या आएगा इसकी वैल्यू, याद है किसी को सर, रूट 10 माइनस इसकी होती थी, हाँ इसकी होती थी रूट 10 माइनस रूट 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, यही होता था ना. यस सर. 4 से 4 तो उड़ गया तो ये बचा, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है अब ये किसके बीच में होगी ये बताना है, क्या था ऑप्शन, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 की मतलब 2 से बड़ा. तो एक बताओ ये जो लिखा हुआ है ये कहां से कहां तक है. अच्छा रूट फाइव कोई बताएगा रफली कितना होगा, रूट फाइव की वैल्यू
2.2 समथिंग होगी ना, यस 2.5 तो 6.25 बड़ा हो जाएगा, 2.2 क्या होगा इसका स्क्वायर आएगा 484, तो 4.8 समथिंग, हाँ चलो 2.2 या 2.3 के बीच में, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4.4, yes. 10 में से माइनस करा, 10 में से माइनस करके रफली कितना आएगा रूट में 5.6 रूट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बात क्लियर होगी? यस सर, यस। तो यार ये 1 से 2 के बीच में तो नहीं है, 2 से तो बड़ा है ना, क्लियर yes. है, तो ये तो 2 से बड़ा है लेकिन लेस देन क्या है 3, तो किसके बीच में रहेगा 2 and 3. तो अब देखो इसने क्या करा, इस क्वेश्चन में तुम्हारा पहला ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ए की बार वन वाली ये यूज हो गई, दूसरा जब हमने प्लस करा तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बाद फिर जो मैंने वैल्यू बोली थी 0, 30, 45, 60, 90 तो लर्न करते ही है, मैंने कहा था 18, 36 ये दो वैल्यूज बताई थी, बाकी तो 54 और 72 निकल ही जाते थे, क्योंकि जहां पर साइन 18 की वैल्यू पता है तो कॉस 72 वही होगा, जो साइन 36 की है वो कॉस 54 की वैल्यू सेम आएगी, है ना, तो 18 और 36 मैंने दो वैल्यूज ये कही थी, साइन कॉस की ध्यान रखना, तो अगर ये याद है जैसे पाई में लिखा था तो पाई में समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी पाई को देखकर हम लर्न नहीं करते, हम तो 18, 36 बोल रहे हैं, तो पाई में कितना होगा वो जो 54 लिख रहे हैं वो 3π/10 ही है, क्लियर है, तो अगर ऐसा एंगल आ जाता है तो क्या करो कन्वर्ट कर लो उसे, क्योंकि जब वो वैल्यू पूछ रहा है तो एक्जैक्टली तो तभी पता लगेगा ना जब आपको एंगल डिग्री में, क्योंकि हम डिग्री में हमें पता है कि भाई इसको हम 54 बोलते थे, तो हमने जब डिग्री में बनाया तो 54 पे याद आ गया पहले, और फिर ये रूट वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आया समझ में? यस सर, यस सर। नेक्स्ट है लेट्स से इजी है, ये भी तुम्हारा 2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया था, 3rd September में, पहले शिफ्ट में डेल्टा डिटरमिनेंट दिया हुआ है क्या, एक्स माइनस टू दिया हुआ था और 2x-3 और 3x-4, फिर दिया हुआ है 2x-3, 3x-5 और 3x-4, 5x-8, 4x-5 और 10x-17, इतने बड़े बड़े दे दिए नंबर, जिससे कि तुम डिटरमिनेंट डायरेक्टली पूरा ओपन नहीं करो, कुछ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, साफ पता लग रहा है, और ये इक्वल टू दिया हुआ है ऑलरेडी, दिया हुआ है ax³ bx² cx + d, और बोल दिया देन बी प्लस सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ऑप्शंस हैं सारे सॉल्व करो, प्रॉपर्टीज लगाओ, मैनिपुलेट करो, रो कॉलम ऑपरेशन लगाओ और बताओ क्या आएगा, सबसे पहले क्या लगाएं, रो या कॉलम ऑपरेशन बताओ, जीरो अगर मैं डायरेक्टली ला सकता तो मैं कुछ सोचूंगा कि छोटा हो जाए, मतलब कम से कम एक्स एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ अच्छा आर वन में से अगर आर टू माइनस करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक एक्स तो फिर भी आ जाएगा, या तो क्या करो आर टू में से क्या कर दो, या कॉलम वाइज कर दूं अगर मैं तो सेकेंड कॉलम में से 2 times माइनस कर दो फर्स्ट कॉलम का, तो जो 2x वाली टर्म है कम से कम वो उड़ जाएगी, है ना, अच्छा और फिर इसमें से इसका 3 times माइनस कर दो, या फिर एक और तरीका, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को ऐड करो और थर्ड कॉलम से माइनस कर दो, 2x और x 3x हो जाएगा और पूरा माइनस हो जाएगा उसमें से, है ना, बताओ क्या करें, कुछ भी कर दो, तो स्टार्ट तो करोगे कुछ, इसमें ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं होता कि पहले यही लिखना है, बताओ क्या करें, C3 में से क्या माइनस कर दूं, बताओ बोलो भी क्या करें, कुछ भी बोलो भी बताओ, तुम्हें बताओ क्या रखें, बताओ भाई कोई भी एक ऑपरेशन बताओ क्या लिखूं, किसी का दिमाग नहीं चल रहा, C2 में से 2 times C1 माइनस कर देते हैं, ठीक है क्या आएगा भी बताओ, x-2, 2x-3, 3x-5, क्या आएगा, 2x-3 में से 2x और माइनस का 4 माइनस किया तो 1 बचेगा प्लस का, है ना, नेक्स्ट में क्या आएगा बताओ, 3x-4 में से 2 times 2x यानी 4x माइनस किया, माइनस का x बचेगा,
और प्लस सिक्स हो जाएगा तो टू बचेगा प्लस का, ये ठीक है। और लास्ट में 5x में से टू टाइम्स माइनस करोगे 3x का, तो माइनस 6x आएगा, माइनस का x, और ये भी प्लस टू आएगा। लिख गया भाई सभी को, क्लियर है भाई? और C3 में भी सेम ऑपरेशन ऐसे लगा रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। C3 माइनस 3 टाइम्स इवन, 3 टाइम्स माइनस कर रहा हूं इस बारी। बताओ क्या लिखूं, बताओ क्या लिखें? या आप डायरेक्टली C3 में से C2 को, तो C2 तो चेंज हो चुका है ना, C2 को यूज नहीं करेंगे भाई, 3 टाइम्स यही करते हैं। चलो बताओ क्या लिखूं, 3x माइनस 3x 0 और माइनस 4, और वो हो जाएगा कितना, प्लस 6 हो जाएगा, है ना। क्या लिख दूं, कितना लिख दूं, 2 लिख दूं? यस टू। नेक्स्ट बताओ, जल्दी से नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? 3 टाइम्स C1 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 4x में से 6x माइनस होगा, माइनस 2x, माइनस 2x और प्लस का 1, ये ठीक है, प्लस 1 आएगा या 4 आएगा? 4 4 आएगा, 4 आएगा, अभी 9 हो जाएगा ना, 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताओ, 10x में से 9x क्या बचेगा, क्या लिखें, क्या लिखें? माइनस का 2x अगेन, ये क्या लिखूं बताओ, अब क्या आएगा सर, रफ में लिख लो, 10x में से, 10x माइनस 17 में से क्या माइनस कर रहे हो, 2 टाइम नहीं 3 टाइम्स 3x माइनस 5 माइनस कर रहे हो, तो क्या बचेगा, 10x माइनस 17 माइनस का 9x प्लस का 15, x x और माइनस का 2, है ना, ये आएगा ना, ये ठीक है, यस सर, यस, ठीक है। यहां तक सभी को आया भी समझ में? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब बताओ आप ऑपरेशन क्या लगाएं, जीरो दिख रहा है कहीं पे, ला सकते हैं जीरो, जीरो यहां पे दिख रहा है, ये जीरो आ जाएगा, यस सर, कर दो, यस सर, क्या आर टू में से, आर टू में से, या चलो आर थ्री में से कर देते हैं, आर थ्री में से आर टू माइनस कर देते हैं, क्या आएगा, एक्स माइनस टू वन टू, टू एक्स माइनस थ्री, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस टू एक्स प्लस फोर, आर थ्री में से माइनस करा आर टू, तो क्या बचेगा नीचे, एक्स और माइनस का टू, ठीक है, यहाँ जीरो, और यहाँ पर नीचे क्या लिखूं, नीचे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा और माइनस का सिक्स, क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, यस सर, फिर अब इसके बाद क्या करें, इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में से दिख रहा है क्या कॉमन है, या आप एक्सपेंड कर दो इसके बाद, बताओ एक्सपेंड करें एक और कुछ लगाएं ऑपरेशन। अब देखो ये ऐसे कर सकते हैं, इसका टू टाइम्स इसमें से माइनस करके, भाई थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम माइनस टू टाइम्स सेकंड कॉलम, क्योंकि वन से टू करेंगे माइनस तो जीरो हो जाएगा, और जीरो का तो कुछ भी टाइम माइनस करेंगे फर्क भी नहीं पड़ेगा, और आई थिंक ये वाला भी, इसका टू टाइम्स माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दिख रहा है, दो एक और जीरो आ जाएगा ऊपर, दो जीरो आ जाएंगे, दिख रहे हैं, यस सर, यस सर, यस सर, बेटा ये आपको ऑब्जर्वेशन अपने आप करनी है ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन, एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, अगर एक्सपेंड करोगे सब कट जाएगा, जो लाना है वो आंसर आ जाएगा, तब भी आ जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, तो आपको लाइक सोचना है कि प्रॉपर्टीज लगा के करो, तो ये जीरो आएगा, ये वाला भी एग्जैक्टली टू टाइम्स ही है, तो पूरा का पूरा जीरो आएगा भी, और नीचे वाले में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब एक्सपेंड कर दो, टेंशन क्यों ले रहे हो, तो इसके अलॉन्ग कर रहा हूँ भाई, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, 3x माइनस 6 बाहर लिखा मैंने, चलो ये गया, ये गया, क्या लिखूं, माइनस का, माइनस नहीं क्या है, माइनस एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू से, और माइनस करेंगे क्या, वन टाइम्स टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ओपन कर दो, क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का टू एक्स माइनस फोर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, क्या आ गया, थ्री एक्स माइनस सिक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फोर माइनस टू प्लस का टू एक्स बचेगा माइनस का वन, ओपन कर दो लास्ट,
माइनस का 3x का क्यूब, यह आएगा प्लस 6x स्क्वायर, यह आएगा माइनस का 3x प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 6, तो आंसर आ गया 3x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 6. ए कितना है माइनस 3, बी कितना है 12, सी कितना है माइनस 15 और डी कितना है 6. क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. और आपको निकालना था बी प्लस सी, तो बी और सी पता लग गए कितने कितने, बी है आपका 12 और सी है आपका माइनस का 15, तो ऐड करके क्या आंसर आएगा, माइनस का 3 ऑप्शन था सी ऑप्शन. क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. Yes, तो देखो सिंपल रो या कॉलम ऑपरेशन लगाकर डिटरमिनेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है. अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इतनी टेंशन क्यों ले, डायरेक्टली ओपन ही कर देंगे, ठीक है देखी जाएगी कट जाएगा कट जाएगा, ठीक है आ जाएगा, लेकिन बहुत बहुत सारी टर्म्स आएंगी और कहीं ना कहीं पे ना साइन की ज्यादातर क्या होता है साइन की कहीं ना कहीं पे या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो कहीं पे ब्रैकेट का गड़बड़ हो जाएगा, कहीं माइनस का गड़बड़ हो जाएगा और पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, तुम फिर दोबारा निकाल के सोचोगे क्या करना है. ठीक है तो ट्राई करो कि हर स्टेप पर थोड़ा सा अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो टर्म्स को और देखो कि जीरो या कॉमन कुछ कहीं पे आ रहा है तो वहां पे ऑपरेशन लगा दो. ठीक है क्लियर है? यस ठीक है. नेक्स्ट क्लास में लाइक कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और थोड़े से और कॉन्सेप्ट करके नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे मैटर्स डिटरमिनेंट. ठीक है बेटा? Yes. अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज ये सारी रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस. ठीक है? थैंक यू. बोलो 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 सर. कल जो एग्जाम हुए थे टेस्ट, क्या कह रहे बेटा? सर कल जो टेस्ट हुए थे सर उसका रिजल्ट नहीं आया. अभी रिजल्ट नहीं मिले, मैं बोल दूंगा मिल जाएंगे तुम्हें. ठीक है ओके. चलो थैंक यू. थैंक यू.